बहुत ही अच्छी कलाकारा आदरणीय हमारी बहन रिंकी तिवारी जी, आपका भी मेरी ओर से स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय हमारे पप्पू भैया जी, श्री पप्पू परवाना जी, आपको भी मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आपके सभी साथी कलाकारों का मेरी ओर से स्वागत है। उन्नाव की पावन भूमि को नमन कर रही हूँ, क्योंकि ये उन्नाव की वह पावन भूमि है जिस पर जन्म लेने वाले हमारे बड़े भाई, जिनको कीर्तन जगत में ऐसा कोई श्रोता या ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो उनसे परिचित ना रहा हो। कला के धनी तो थे ही, साथ साथ व्यक्तित्व के धनी भाई हमारे बहुआ पांडे जी, जो आज शारीरिक रूप से भले ही हम सबके साथ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं है। कहीं ना कहीं जहाँ भी कीर्तन होता हो और जहाँ कीर्तन हो रहा हो, वहाँ उनकी उपस्थिति जरूर होती है। कलाकार कभी भी, चूंकि ये सच्चाई है कि शारीरिक रूप से भले ही हम सबको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। कला के माध्यम से कलाकार हमेशा ही जीवित रहता है। तो मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ हमारे भाई श्री बहुआ पांडे जी को। उपस्थित इस मंच का संचालन कर रहे हैं पिता तुल हमारे पूजने दादा शियाराम पांडे जी, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आपने उन्नाव की पावन भूमि पर आने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। आपके इस उन्नाव क्षेत्र में जब भी मुझे आने का अवसर मिला है, मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं कीर्तन करने आई हूँ। हमेशा मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। भाई हमारे सचिन पांडे जी, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, सभी से निवेदन है। जो प्रेम स्नेह आपके द्वारा मिलता है, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। आदरणीय हमारे संतोष मामा जी, जो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, आदरणीय श्री ससिराज कमल जी के साथ आप चलते हैं, मामा जी उपस्थित हैं, आपको भी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। समिति में जितने भी हमारे पिता तुल बुजुर्ग और हमारे भाई लोग सहयोगी, सभी समिति में जो भी पदाधिकारीगण हैं, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। सभी को कोटि कोटि नमन है मेरी ओर से। बेहतरीन साउंड व्यवस्था जिनके द्वारा मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है, ऑपरेटर भैया जी जो इस बेहतरीन साउंड सर्विस की ऑपरेटिंग कर रहे हैं, आपको भी हृदय से धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम को आज ही नहीं, हमेशा के लिए आप जब भी सुने केएस म्यूजिक चैनल पर रिकॉर्ड करने के लिए भैया हमारे संजय भैया जी आए हुए हैं, आपका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन है, वंदन है। आदरणीय हमारे चाचा शिवपूजन पांडे जी, आपको भी मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, कोटि कोटि नमन है। और भी दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कीर्तन प्रेमियों को मैं एक साथ प्रणाम कर रही हूँ। समय अधिक ना हो इसलिए मैं सभी को सामूहिक प्रणाम करके अपने ओर से कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ। ये मध्य प्रदेश की बहुत ही छोटी पार्टी कल्पना द्विवेदी संकीर्तन मंडल जिला भिंड हाल मुकाम जालौन से आपकी सेवा में उपस्थित है। लीजिए बिना किसी विलंबता के शीघ्रातिशीघ्र जो कीर्तन की औपचारिकताएं हैं, उनको मैं सूक्ष्म रूप से पूर्ण करूंगी और सीधे आदिदेव महादेव के सुपुत्र श्री बाबा गणेश का आवाहन, स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का आवाहन, तत्पश्चात एक सवालिया गीत मेरी ओर से होगा, उसके बाद सवाल जवाब, जवाब सवाल,
आप लोग रात भर आनंद लेंगे इसी ऐसा विश्वास के साथ कार्यक्रम शुभारंभ है कल्पना द्विवेदी भिंड मध्य प्रदेश। जी का आदेश हुआ है, आदेश को श्रोधार करते हुए मैं अपनी ओर से कार्यक्रम को शुभारंभ कर रही हूं। चूंकि कार्यक्रम में विलंब ना हो इसलिए मैं शीघ्र अपनी ओर से कार्यक्रम को शुभारंभ की ओर ले चल रही हूं। स्वागत कर रही हूँ दूर दूर से आए हुए कीर्तन प्रेमियों का, जो आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कानपुर महानगर से भी कीर्तन प्रेमी उपस्थित हुए हैं, और भी दूर दूर से आए हुए सभी कीर्तन प्रेमियों को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। प्रांगण में उपस्थित हमारे आए हुए सभी श्रोताओं को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत अभिनंदन है। और ये होली मिलन समारोह में कई वर्ष से कार्यक्रम होता चला आ रहा है, और हर वर्ष ये कार्यक्रम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ होता चला आ रहा है। साथी मैं एक हमारे बीच में जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए केएस म्यूजिक फिरोजाबाद, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरे बीच में हैं, आवे और आपका मालार्पण कर ये सम्मान हो जाए। मैं निवेदन करूंगा अपने भाई श्री चंद्र प्रकाश जी से कि वो आवे और केएस म्यूजिक फिरोजाबाद का मालार्पण कर उनका सम्मान करें। हेलो, 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 हेलो। अभी आपने देखा यूट्यूब चैनल केएस म्यूजिक फिरोजाबाद का सम्मान हमारे चंद्र प्रकाश जी ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब केएस म्यूजिक से भी अपेक्षा करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को अपने स्वाविवेक से अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी दुनिया को दिखावें, और बाखूबी इन दोनों बेटियों को कार्यक्रम के माध्यम से इनके नाम को आगे बढ़ाएं। और दोनों से मैं आशा करता हूं, कार्यक्रम का प्रारंभ है, बढ़िया से बढ़िया, सरल से सरल और साहित्यिक रचनाओं को आप लोग करें। बकाया आप के लिए सब है, आप सबके लिए है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हेलो। मैं पिताजी की बात से सहमत हूँ, बिल्कुल बेटे, कि हमें इतने ही तक सुनाना है और क्या, बस। तो प्रयास रहेगा, हमारे भैया लोग भी थोड़ा सहयोग देते रहें, जो माइक को देख रहे हैं थोड़ा सा देखते रहे, बाकी हम लोग मेहनत करते रहेंगे और क्या। से नूर मिलता है तो ये गमे दिल को सुरूर मिलता है, क्योंकि माता के दरबार में आने जाने वालों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है।
तो चले हूँ महामाई के आवाहन की ओर। बुलाना चाहूंगी स्वरों के अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को कि माँ माँ आइए और दोनों कलाकारों की बाड़ी में विराजमान हो जाइए, जिससे कि आज का कार्यक्रम सफल हो सके। माँ लोग माता के दरबार में जाते हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तमाम भक्त तो तमाम इच्छाएं हैं। कोई धन दौलत मांग रहा है, कोई शान शौकत मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है। हम भी आपके दरबार में आए हैं। एक फिल्मी टुकड़ा फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, क्या आदरणीय चाचा हमारे शिव पूजन चाचा जी आशीर्वाद चाहूंगी। फिल्मी टुकड़ा फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, क्या हालांकि वंदना में तर्ज की कोई आवश्यकता नहीं है, ना लेकिन कुछ तर्जें ऐसी हो गई हैं ऐसी जो किसी वंदन गीत से कम नहीं है। वाह फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या कि दुख बाबूजी की तरफ से बहुमूल्य 51 पद्म मुद्राएं हैं, नमन कर रही हूं, धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम कर रही हूं। ये चूंकि हमारे बड़े भाई बहुआ भैया जी के पिताजी हैं, तो मेरे लिए भी पिताजी के समान ही हैं हमारे आदरणीय पिता तुल्य चाचा हमारे सियाराम पांडे जी। आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, चाहूंगे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। माइक बंद ही है, ये कोरस वाला देख लीजिए बंद ही है। हेलो 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 कुछ तो बोले, नमन कर रही हूँ हमारे भैया जी बहुआ पांडे जी की स्मृति में। ये 51 पद मुद्राएं आदरणीय बाबू जी की तरफ से भेंट हुई है, नमन कर रही हूँ। आदरणीय श्री हमारे बाबू जी केशव वाजपेयी जी, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद है, नमन कर रही हूँ, धन्यवाद है। एक ऐसी क्षति पहुंची है कीर्तन में जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी पूर्ति कभी कोई नहीं कर पाएगा, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। कानपुर से एक बहुत ही अच्छे
हमारे जगदीश बाबा जी जो रावतपुर क्रॉसिंग पे बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराते हैं, कई बार आपके मंच पर आने का अवसर मिला है, आप अपनी पूरी मंडली के साथ आए हैं, आदरणीय जगदीश बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, सुनिए। हेलो, अरे भैया से बदल दो, अगर ये नहीं काम कर रहा बदल दीजिए, काम नहीं कर रहा हो तो दूसरे। हेलो, बंद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है भाई, बोले तो कुछ तो बोले। हेलो हेलो, अरे है बोल, भाई बदल दो भैया। हेलो 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 हेलो, कार्यक्रम की रोचकता खत्म होती है, जल्दी में कर दीजिएगा ये। देख लीजिए, हेलो हेलो, मैं सोया और तू जागी है, सारी सारी जतिया तू मेरी इंडिया पे, तूने इंडिया अपनी बारी है, ओ तेरे दर पे।
होली है, होली हैप्पी होली है, ये बेटा तुम्हारी बोली है। आदर्शी श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, प्रयाग संभाग प्रभारी, प्रांतीय मंत्री, हिंदू महासंघ, आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं मेरे लिए और 51 भैया मुकेश जी के लिए प्रदान हुई हैं। क्या बात है, क्या बात है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। समझते ही नहीं है तो बस इतनी कृपा कर देना माँ। अरे स्वभावशील हो, स्वभावशील हो, कल्पना का कलिका प्रभाव ना हो। अरे स्वभावशील हो, कल्पना का कलिका प्रभाव ना हो। तू मेहरा वाली है, तू लाडा वाली है, तू भोली वाली है। जितने भी भैया दादा लोग पधारे हुए हैं, सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, नमन है, बुजुर्गवारों के चरणों में प्रणाम है। देवी स्वरूपा हमारी माताएं बहने भी यहाँ पर विराजमान हैं, आपके भी चरणों में प्रणाम है। आज की रात्रि की जो हमारी सहयोगी के रूप में आप लोग सुन रहे हैं, हमारी छोटी बहन श्रीमती कल्पना दुबे जी, आपका भी मंच के द्वारा मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में उदयवान बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जो कि कम समय में इन्होंने बहुत ही अच्छा नाम किया है कीर्तन जगत में। हमारे छोटे भैया सचदेवा शरारती जी भी यहाँ पर आ चुके, मैं चाहूंगी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। आप भी आए जी, बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत अच्छा। आइए, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, समय अधिक ना विलंब करते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम। कानपुर महानगर की सबसे छोटी पार्टी
रिंकी तिवारी एंड पार्टी नवस्था कानपुर की ओर से। कार्यक्रम यहाँ पर बहुत हुए हैं, लेकिन इस मंच पर आप लोगों के बीच में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है, इसलिए मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरती हूँ। मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरती हूँ और अपने जज्बातों को अपना गुलाम करती हूँ। सर्वप्रथम उस मैया के चरणों में नमन और फिर आप सभी सुनने वालों को मैं रिंकी तिवारी प्रणाम करती हूँ। क्योंकि जनता जनार्दन का स्वरूप होती है, इसलिए आप लोगों का भी आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं। जैसा कि नियम के अनुसार कोई भी कलाकार जब अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले मैया सरस्वती को बुलाता है और इसी श्रृंखला को मैं भी अपनी ओर से आगे बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल बेटा, बहुत छोटी सी एक वंदना और उसके बाद कल्पना जी की ओर से एक बहुत सुंदर सा गीत आया है, उसका मेरी ओर से केवल प्रयास। आइए चलते हैं वंदना। चलो। और मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगी आप लोग दोनों कलाकारों के बीच में जिनको सुन रहे हैं, हालांकि वो घोषक की भूमिका में है लेकिन वो हमारे पिताजी हैं। और क्या, मैं आपके भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ। हालांकि आशीर्वाद मिलता रहता है लेकिन आज स्पेशल वाला चाहिए क्योंकि दोनों आपकी बिटिया मंच पर हैं। ये बात, पापा दी ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी एक बार हमारे पापा जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है जो हर किसी को नहीं मिलता है। कल्पना जी, आज हम लोग बड़े नसीब वाले हैं जो इस मंच पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुमूल्य आशीर्वाद है और जो बहुमूल्य है उसको बताया नहीं जाता कितना है। धन्यवाद। एक बच्चा जब जन्म लेता है, आदरणीय भैया जी निवेदन है आप लोग ध्यान देकर सुने क्योंकि बहुत ही सुंदर सी वंदना की है भाई कल्पना जी ने, तो मैं भी प्रयास करती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा कर देती है, और जब बेटा होता है तो बड़ी समस्या होती है। शादी हो गई, फंस गया चक्कर में, किसकी तरफ बोले, पत्नी की बोलता है तो समस्या, माँ की बोलता है तो समस्या। सही है। तो देखिए, एक समस्या जब यहाँ पर आती है तो बहुत जल्दी में मैं आपको बताती हूँ। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है और सोचता है ना तुम्हारी बोलूंगा क्यों ना दूर चला जाऊं। और जब वो दूर जाता है, नौकरी करके आता है, सोचता है थक गया क्या भोजन बनाऊं, भूखा सो जाता है। और जब वो भूखा सोता है तब उसको अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पत्नी हमेशा अपने पति के ऐंठ को देखती है, जेब में कितना है। पत्नी हमेशा अपने पति की ऐंठ को देखती है लेकिन माँ अपने बच्चे के हमेशा पेट को देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। पता नहीं मेरा बच्चा नौकरी करके आया है, खाया है कि नहीं खाया है। तो आइए, बिल्कुल आप लोग वेट करें, बैठ जाएं, आपका भी स्वागत है। अच्छा अच्छा, कल्पना जी खड़े हो जाइए बेटा, क्योंकि वो चले जाएंगे। माइक उधर भी दे दीजिए, भले ही ना बोले लेकिन ऐसे ही, क्योंकि फोटो ले रहे हैं। नहीं, माइक फोटो ना, जैसे कीर्तनकारा है इसलिए इस मंच पर आपका आगमन अति आवश्यक है। अगर आपका आगमन हो जाए माँ तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो कहना पड़ा, ए मैया सरल संगीत हो जाए, सरल संगीत। धूल नहीं है, ये
तुम्हारी। मंच पर लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे शरगम लगाते हैं, लेकिन रिंकी तिवारी कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो आपके चरणों में प्रणाम करती और बस यही कहती है, शब्द झनकार कर जाना, स्वरों से कंठ भर जाना, शब्द झनकार कर जाना, स्वरों से कंठ भर जाना। बुलाती हूँ तुम्हें मैया, बुलाती हूँ तुम्हें मैया, दौड़ कर माँ चली आना। यहाँ पर आओ बैठो, अभी तुम वहाँ वाले कलाकार नहीं हो, दीदी के लिए वही हो। आइए, भक्त अंतिम प्रार्थना करता है मैया से और कहता है, माँ मधुर वाणी रहे मेरी होता। निवेदन है यहाँ पर विद्वान जनमानस एकत्रित है, मधुरता कंठ में न होती तो शब्द विश्वास बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, प्रेम को यदि वासना न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में न होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, क्योंकि कलाकारों को अपने जीवन में दो ही चीज मिलती हैं, अगर अच्छा कार्यक्रम दे गया तो सुनने वालों की तालियां, और हल्का सा डगमगा गया तो सुनने वालों की कुछ नहीं। नहीं, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। इसलिए आइए, अंतिम पंक्तियों में महारानी से प्रार्थना है और कहते हैं, माँ मधुर वाणी रहे मेरी, मधुर वाणी रहे मेरी, यही मैं आस करती हूँ, और हे मैया, खो